हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है प्रभु? आपका जैसा विल स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट मुझे तो एज एन एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तुमने बुद्ध और महावीर को नहीं देखा, लेकिन तुम लोग देख सकते हो प्रभु आपका विल पावर भी कितना स्ट्रांग है। ठान लिया तो ठान लिया। प्रभु हमारी इच्छा शक्ति इतनी मंद क्यों है? आप जैसा करना चाहते हैं, आप जैसा होना चाहते हैं, आप के भी होना चाहते हैं। सत्संग के 3 घंटे हम आपके हो भी जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही पूरी छोले में भी अटक जाते हैं। ऐसा होते देखा है मैंने। गरम पूरी नहीं मिली तो वहां अटक भी, तुम तो मेरे थे ना, कहां पूरी के हो गए वापस। लेकिन कहीं ना कहीं न जाने हमारा चित इतना बिका हुआ है। पार्थ इसको हमेशा बोलता है कि हमारी सारी इंद्रियां बिकी हुई है। मामा मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसके वर्ड ना, मुझे चोट पहुंचाता है। बिकी हुई ऐसा बोल दिया, मेरी इंद्रियां बिकी हुई, वो अपने लिए ही बोल रहा होता है। मम सारी इंद्रियां ना बिकाऊ है, बिकी हुई है। हर इंद्रिया कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लेना चाह रही है। पतंजलि उसका हमें उत्तर दे रहे हैं। 4th ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य संप्रदाय में तो ब्रह्मचर्य का बड़ा ही बेहुदा सा छोटा सा अर्थ ले रखा है कि तुम्हारे सेक्सुअल कंडक्ट्स को अब्सटेन करो, रिफ्रेन करो, व्हाटएवर, संभोग आदि से निवृत्ति लो। लेकिन कहीं भी इस शब्द के अंदर इस ओर संकेत नहीं है। ब्रह्म जमचर्य, ब्रह्म में चरना, बात यह है। कहां इसमें सेक्सुअल मिसकंडक्ट की बात आ गई? कहां इसमें संभोग आदि की बात आ गई? बात चल रही है ब्रह्म में चरना। और न जाने कौन से विक्षिप्त बुद्धियां होंगी, न जाने कौन से लोग होंगे, ऐसे कपटी लोग जिन्होंने इतने सुंदर शब्द को, महा ब्यूटीफुल वर्ड है ब्रह्मचर्य, लेकिन आजकल तो ब्रह्मचर्य वर्ड को खुसुर फुसुर में बोलते हैं। हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अरे मेरी तरह शेर की तरह बोलो, हम ब्रह्मचर्य में है, ये बात बनती है। खुसर खुसर क्या करते हो? लेकिन ब्रह्मचर्य का कहीं से ये मतलब ही नहीं था सेक्सुअल अब्सटेनेंस। ब्रह्मचर्य का मतलब था ब्रह्म ईश्वरीय तत्व में चरना। वाओ, गाय जैसे चरती है, कभी देखा है? मस्त हो गए, वो गला अपना हिलाते हिलाते, पूरे शरीर को हिलाते, पूंछ को हिलाते हिलाते, गाय को कभी चरते हुए देखना। ये तुम्हारे सड़े हुए प्लास्टिक में नहीं, वहां तो वो भी मुंह बिचकाती है अपना, जैसे प्लास्टिक का कचरा पड़ा होता है, वहां नहीं, खेतों में कभी गाय को चरते देखना किस तरह से लहराती है। तो ये आदमी, ये इंसान लहराता है जो ब्रह्म में चरता है। इसलिए आध्यात्मिक अर्थ को पकड़ना ब्रह्मचर्य क्या है। लेकिन हमारी इंद्रियां बिक जाती हैं। पहले के समय में बड़ा अच्छा आयोजन था कि बच्चा, बच्चे का जो पहला 25 साल था उसको क्या बोलते थे? ब्रह्मचर्याश्रम। तो वैसे भी उसको सेक्स वगैरह की कोई खबर ही नहीं थी उस टाइम, तो 5वें-6ठे साल से गुरुकुलों में ले जाते थे और वहीं पर गुरु के सानिध्य में रहते थे। गुरु का औरा यानी कैसा? वैर त्याग हो गया, क्रिया सिद्धि हो गई, वचन सिद्धि हो गई, ऐसा औरा है। और सतत उन्हें वहां रखा जाता था 25-25 वर्षों तक, 20 वर्ष 25 वर्ष वहां रह रहे हैं, उनकी शिक्षा हो रही है, उनकी इंद्रियों की बिक्री को बंद किया था। Isn't it? इंद्रियां जो बाहर बिक सकती थी, राजा का बेटा है, कहां कहां इंद्रियां बिक सकती है? मदिरा में, वेश्याओं में, युद्ध में, कहां कहां इंद्रियां बिक सकती है उसकी। लेकिन दे अंडरस्टूड कि अभी जब ये कोमल बाल मन है ना,
तो इसके इंद्रियों को अभी से बिकाऊ मत बना दो, इसके इंद्रियों की शक्ति का संग्रह करो, इसके इंद्रिय की शक्ति को कुछ विशेष बनने में मदद करो। लेकिन हमारी पांचों इंद्रियां बिकाऊ है, हाँ कि नहीं? ब्रह्मचर्य की साधना क्या है? आओ सीधी बात करते हैं, वैसे ही सेशन लंबा हो रहा है, सीधी साधना पे बात करो। पांचों इंद्रिय द्वारा क्षय होती शक्ति को रोकना, शारीरिक शक्ति के से क्षय होती, मैंने क्या लिखा है, शारीरिक द्वार से क्षय होती शक्ति को रोको। पांचों द्वार से तुम्हारी शक्ति का क्षय हो रहा है कि नहीं? अभी मैं वो दूसरे वाले ब्रह्मचर्य की कोई बात ही नहीं उठाने वाली। तुम देखो तुम्हारी पांचों इंद्रियां ओवर यूज कर रही है अपने आप को। शॉपिंग करना गलत नहीं है स्वाति प्रभु, लेकिन विंडो शॉपिंग करना ओवर यूजेज ऑफ योर एनर्जी। कोई सीरियल देखना गलत नहीं है, मैं खुद ब्रह्मास्त्र देखकर आई, मूवी देखना गलत नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे यूजलेस सर्फिंग करना घंटों विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी एम, जो हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते रहते हैं, वो ओवर यूजेज है। मैं जब ब्रह्मास्त्र देख रही हूं ना, मैं खाली ब्रह्मास्त्र देख रही हूं, बस इतना ही है। मैं जब कोई सीरियल देखती हूँ, मैं आधा एक घंटा जितना भी ड्यूरेशन, मैं वो सीरियल ही देख रही हूँ। मेरे मन में एक पैसे की उत्तेजना नहीं होती। रियली इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग अबाउट मी कि कोई उत्तेजना ही नहीं है कि दूसरे सीरियल में क्या होगा या दूसरा कुछ मैं देख लूँ। नहीं, मैंने अपना एक घंटा टाइमर सेट किया है, आई वॉन्ट अ ब्रेक फ्रॉम माई स्टडीज, फ्रॉम वॉट एवर आई एम डूइंग, तो मैं एक घंटा अपना कोई सीरियल देख रही हूँ, तब मैं खाली सीरियल देख रही हूँ। आई एम नॉट ओवर यूजिंग माई रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। किसी को फोन करके बातें करना गलत नहीं है, लेकिन जो घंटों गॉसिपिंग चलती है वो गलत है। काम की बात ना हमेशा 2 मिनट की होती है, याद रखना। आप 2 मिनट से ज्यादा बात कर रहे हो ना, इसका मतलब ही है आप इंद्रियों का ओवर यूजेज कर रहे हो। खाना गलत बात नहीं है, लेकिन ओवर ईटिंग करना ओवर यूजेज ऑफ योर इंद्रिया। बोलना गलत नहीं है बट ओवर यूजेज। सुनना गलत नहीं है, एक श्री गुरु का सत्संग सुनो तुम, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे तक अलाउड है, लेकिन श्री गुरु का सुन लिया, अब चिन्मयानंद जी का सुनना है, फिर शिवानंद जी का सुनना है, तुम्हारी लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी है। सभी का सुनना, ये जो भाव है ओवर यूजेज ऑफ योर इंद्रिया, रोको कहीं इसको। एक गुरु कम पड़ रहा है तुम्हें, उसकी बातें कम है क्या? सत्संग टाइम पे खत्म नहीं होते, हे प्रभु के सत्संग का तो हाल तुमने देखा ही, लेकिन तुम्हारे पास कहां से इतनी फुर्सत आ जाती है कि तुम एक गुरु को सुनने के बाद भी दूसरे तीसरे 10-20 को सुनते हो। गुरु का निश्चय नहीं हुआ तब तक निश्चित रूप से सुनो, लेकिन एक बार गुरु का निश्चय हो गया कि यही गुरु इनका मार्ग, अब कहां से ये शक्ति आई, ये अब्रह्म की शक्ति है और ये तुम्हें ब्रह्म में चरने नहीं देती। ब्रह्मचर्य का तुम्हारा नियम पालन नहीं होता। करना क्या चाहिए? शारीरिक द्वार से क्षय होती शक्ति को रोकना, यानी पांचों इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, पांचों द्वार से तुम्हारी शक्ति जा रही है। मानसिक द्वार से क्षय होती शक्ति को रोकना, स्टॉप ओवर थिंकिंग। एंड हाउ विल यू स्टॉप टुडे? जीनो इफेक्ट। ओवर थिंकिंग के लूप में आ जाते हैं, कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही हूं लेकिन काफी तुम्हारी तरह नहीं भी। सो कभी मैं भी ओवर थिंकिंग के लूप में आ जाती हूँ, हाउ आई स्टॉप इट? क्योंकि ओवर थिंकिंग के लूप में स्वराज क्रिया करने बैठी तो ओवर थिंकिंग अपने किसी अलग जोन में शायद चली जाए। मैं भी आंख बंद करके बस कुछ देर बैठ जाती हूँ और करती क्या हूँ, आई एम गिविंग यू द की टुडे, सांस को देखती हूँ। वो देखते देखते अपने आप ओवर थिंकिंग, क्योंकि जीनो इफेक्ट यही कह रहे हैं, जिस चीज को आप देख रहे हो वो उसका विकास वहीं पर रुक जाता है। आदित्य द्वार से क्षय होती शक्ति को रोकना, हैबिट फॉर्म्स जो होती है ना, वो भी हमारे विल पावर को ड्रैग डाउन करती है, आदत बन जाती है। कुछ चीजों की हमें आदत लग गई, लत पड़ गई है, वो आदतें जो है वो भी हमारी इच्छा शक्ति को कम करती है। आदतें इसलिए हम उन्हें कहते हैं क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है।
ध्यान करना मेरा स्वभाव है, आदत नहीं। सत्संग करना मेरा स्वभाव है, आदत नहीं। लेकिन जो फालतू नेटफ्लिक्स पर सर्च करते रहना है, ये आदत है। समझ में आ रहा है? आदत और स्वभाव के बीच में फर्क है। जो तुम फालतू फोन पे बकबक करते रहते हो दो दो घंटे, वो आदत है, वो स्वभाव नहीं है। लेकिन सत्संग देना, सत्संग की बातें करना, ये स्वभाव है। दोनों में फर्क है। तो आदित्य द्वार से, यानी जो तुम्हारी हैबिट का जो गेट है, उससे भी तुम्हारी शक्ति का क्षय होता है। और हैबिट्स क्या होती है? हैबिट्स वो होती है कि हमारी चॉइसेस हमारे प्लेजर पर डिपेंडेंट है, ये हैबिट कहा जाता है। आदत किसको कहा जाता है? हमारे चुनाव हमें जो सुख दे रहे हैं ना, उस पर निर्भर करते हैं। जो सत्य है उस पर निर्भर नहीं करते। इंटरनेट पर उल्टा सीधा एडल्ट कंटेंट सर्च करना, सबको पता है गलत है। तुम्हारी कामुकता उससे जागृत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सुख दे रहा है, और सुख दे रहा है इसलिए तुम उसको सर्च करते जा रहे हो। दिस इज आदित्य द्वार, द डोर ऑफ हैबिट। तुम प्लेजर के आधार पर चुनाव कर रहे हो। तुम कॉन्शियस नहीं हो कि भाई ये चुनाव करके तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विल जो है वो कम हो जाने वाला है, और तुम्हारी विल पावर ही कम हो गई। अब तुम अपने लिए कोई भी नियम या निर्णय लेते हो, तुम्हारी विल पावर ही नहीं हो उसे फुलफिल करने के लिए। अब्स्टेन योरसेल्फ। अंधानुकरण द्वार, ब्लाइंड फॉलोइंग। बस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आस्क योरसेल्फ। हमारे बाप दादा कर रहे थे इसलिए हम भी श्राद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो श्राद्ध? आस्क योरसेल्फ। सारे बाप दादा कौवे बन गए हैं और सब आ रहे हैं इसमें, ये तुम्हें पागलबंदियां नहीं लगती? अंध अनुकरण, कोई उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं है। बस इस परंपरा ने श्राद्ध की बात डाल दी तो वो पिंड दान तुम कर रहे हो, और व्हाटएवर जो कुछ भी तुम तर्पण वगैरह अभी के दिनों में करते हो, फाइंड लॉजिक एंड इफ यू कैन कन्विंस योर सेल्फ विद दैट लॉजिक, गो अहेड। लेकिन अंध अनुकरण में मत करो कि ये जो कुछ भी हम तर्पण कर रहे हैं ये सारा हमारे पूर्वजों को जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है। कुछ और भावना से करो। किसी दिन मौका होगा तो बताऊंगी क्या भावना होनी चाहिए। बाकी एक तो सबका मंगल की भावना तुम रख सकते हो कि भाई वो जिस गति जिस जाति में है उनका मंगल हो। तो अंध अनुकरण जो हमारे जीवन में बहुत बहुत जगह पर है, तुम सुबह से शाम तक में, रात तक में भी देखोगे ना कितनी जगह यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग समथिंग, यू डोंट नो द व्हाई अबाउट इट। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा क्यों ही क्लियर नहीं है, तो उस शक्ति से विल पावर का नाश होता है। और फाइनली साधना में ध्यान अभ्यास, तुम कहोगे हाँ प्रभु होता तो है, हमें पता है कि ये सब एडल्ट कंटेंट नहीं देखना चाहिए, फिर भी देखने का मन करता है, क्या करें? जीरो इफेक्ट। 10 मिनट रुक जाओ, उस 10 मिनट में वो जो वासना का जो आवेश आया है ना, वो तुम्हारा शांत हो जाए। आई गारंटी, डू यू ट्रस्ट मी? आई गारंटी। अंतिम सूत्र, अपरिग्रह परिग्रह प्रतिष्ठायाम, और नहीं अभी प्रतिष्ठायाम नहीं है, अब स्थिरता की बात है, स्थैर्य। जो अपरिग्रह में स्थिर है, अरे वाह, जन्म कथनता संबोध, उन्हें जन्मों जन्म की कथा का बोध होता है। कितनी जगह तो लिखा उन्हें जाति स्मरण ज्ञान होता है। बट टू मेक इट प्रैक्टिकल, टू मेक इट मोर रिलेटेबल, हम कुछ और ढंग से बात करेंगे। प्रॉब्लम पॉइंट, प्रश्न हमारा क्या है? प्रभु बहुत सत्संग सुनते हैं, सब बातें समझ में आती है, पर वैराग्य में अटलता क्यों नहीं है? वैराग्य भाव हमारा स्थिर क्यों नहीं होता? आपके प्रति राग है, उसका हम मना नहीं कर सकते, और इसीलिए तुम इतने घंटे इस तरह बैठ सकते हो मेरे सामने, लेकिन दूसरों का राग भी छूटा नहीं है। वैराग्य का मतलब तो क्या था? विशेष के प्रति राग, और वो विशेष एक ही, अनेक विशेष हो जाए तो उसको सामान्य कहते हैं, विशेष नहीं कहते फिर।
सो एक विशेष के प्रति राग हो, प्रभु हम इतना सुनते हैं लेकिन वैराग्य क्यों नहीं सदता, अंदर से वो चोट क्यों नहीं आती हमारे अंदर, ये प्रश्न है क्या तुम्हारा कि प्रभु समझ तो सब कुछ आता है लेकिन वैराग्य नहीं आता, गुरु का आकर्षण तो बहुत है लेकिन बाह्य का आकर्षण भी अभी छूटता नहीं है। इनफैक्ट गुरु के आकर्षण का पलड़ा अभी भारी नहीं हुआ, दूसरे पलड़े में गुरु है, एक पलड़े में संसार है, तो दूसरे पलड़े में अब हमने आपको ही बिठाया है, लेकिन प्रभु ये पलड़ा भारी नहीं हुआ। सच बोलना, क्या ये अंदर से है बात? गौतम प्रभु जैसो का है तो वो पलड़ा भारी हो गया तो जीवन पलट गया। कितने ही अभी भी ऐसे हैं, कुछ और परिवार है जो इस कदर सेवा में लगे हुए हैं कि मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारा गुरु के आकर्षण का पलड़ा भारी हो गया है, लेकिन स्टिल हैंडफुल ऑफ देम, हैंडफुल तो इतना सुनते हैं पर प्रभु वो वैराग्य दृढ़ नहीं होता, आपके प्रति के आकर्षण का पलड़ा भारी नहीं होता। एंड आई बिलीव हर सत्संगी की ये व्यवस्था है, समझ सब कुछ आता है पर वैसा वैराग्य भाव उठता नहीं। तो अपरिग्रह में इसका उत्तर है और बड़ा प्यारा उत्तर है। संप्रदाय तो बस इतना कह देते हैं कि वस्तु का संग्रह मत करो, लेकिन इतनी छोटी मोटी बात नहीं है, ये सूत्र है, गहरी बात है। संपत्ति को कमाना गलत नहीं है, क्योंकि तुम सब श्रावक हो, श्रमण नहीं हो, साधु नहीं हो। साधु के लिए कमाना वॉज गलत, पर तुम जिस जगह पर हो, आज तो मैं खाली आप लोगों से ही बात कर रही हूं, संपत्ति को कमाना गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन संपत्ति का संग्रह गलत है, क्योंकि संग्रह के साथ परिग्रह की भावना आती है, परिग्रह के साथ भय आता है और भय के साथ आहार और मैथुन दोनों ही आ जाते हैं। इसलिए श्रावक को आगमों ने, उपनिषदों ने क्या आदेश दिया कि अपनी संपत्ति का सही ढंग से विभाजन कर दिया जाए। मैंने भी ली है इस पर सत्संग, 5 पार्ट्स में संपत्ति का विभाजन होना चाहिए, सम्यक आजीविका करके राइट यूजेज ऑफ इनकम, कहीं हो तो लगा देना इस सत्संग के पीछे, राइट यूजेज ऑफ अवर इनकम। संपत्ति का अति संग्रह जो है ना वो परिग्रह है, पकड़ के रख लेना। तुम जिस चीज को पकड़ के रख लोगे अब उसके प्रति भय होगा तुम्हें, क्योंकि कहीं वो चली ना जाए, तुमने पकड़ा है ना, तो कोई इसको ले ना ले, चली ना जाए, तो वहां से भय शुरू होगा और बाकी की दोनों संज्ञाएं भी आएगी। अपरिग्रह की साधना क्या कहती है, हमें करना क्या है, सीधी सीधी बात, भोग साधनों का संग्रह नहीं होना चाहिए। जस्ट सी योर लाइफ, भोग साधनों का संग्रह नहीं होना चाहिए। तुम्हारी लाइफ में भोग के साधन कितने हैं, उपभोग के साधन हो कोई दिक्कत नहीं है, उपभोग और भोग में फर्क होता है। जो तुम्हें विलासिता और विकारों की तरफ ले जाए ऐसे साधन नहीं होने चाहिए, ये भोग साधन है। जो तुम्हें सुविधा में ले जाए ऐसे साधन होने चाहिए, भाई तुम श्रावक हो। भोग के साधन अति अति ना हो। तुम्हारे घर में 5 प्रकार के नाश्ते होने चाहिए, कभी बीच में मंचिंग का मन करे तो यू शुड हैव 5 टाइप ऑफ स्नैक्स, बट हैविंग 50 टाइप्स ऑफ स्नैक्स इन योर हाउस, ये क्या है, परिग्रह, ये क्या है, भोग वृत्ति। भोग के साधन मिनिमाइज करो और गो एंड फाइंड आउट। इसलिए अभी लास्ट फ्राइडे के भी सत्संग में मैंने कहा ना, फालतू जितनी चीजें हैं उन्हें निकालो, जो 3 साल से नहीं यूज किया क्या यूज करोगे उन्हें, कपड़े छोटे हो गए, तुम कितने भी आलिया भट्ट जितने हो जाओ ना फिर भी इन कपड़ों में फिट नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी निकालना नहीं है, शायद किसी दिन हो जाए, शायद किसी दिन हो जाए। वस्त्र, आहार, वस्तुएं, इन सब में देखो कौन तुम्हें विलासिता की तरफ ले जा रही है, कौन तुम्हें भोग की तरफ आमंत्रित कर रही है। 5 इंद्रियों के भोग, भोग का मतलब सेक्स मत ले लेना बस, 5 इंद्रियों के भोग की तरफ, 5 ही घर में नाश्ते पड़े होंगे ना तो वो यहां बैठे बैठे कैलकुलेट हो जाएगा कि कुछ कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, वही जो कल खाया था वही आ जाए, लेकिन 50 होंगे ना तो वो मेन्यू सर्व करने तुम उठ के जाओगे और भोग करोगे, चाहे तुम्हें अंदर यहां जरूरत नहीं है पर यहां की जरूरत है। भोग साधनों को मिनिमाइज करो,
वस्त्र में, वस्तुओं में, आहार में, आहार से प्रयोग शुरू करो। मुझे बहुत मिठाई का शौक था तो मैंने घर में से सब मिठाइयों को ही गायब कर दिया, क्योंकि साथ शौक के साथ साथ अब एक और रोग भी आ गया है। खाली शौक होता तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब शौक को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ रोग भी है। तो अब तो अलर्ट होना चाहिए कि नहीं, घर से सब भोग साधन रूपी मिठाइयों को बाय बाय कर दिया कि नहीं होगी तो भोग का मन करेगा, और वो भोग, वो आसक्ति, वो जो क्रेविंग है ना, वो परिग्रह है। अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, परिग्रह क्या है? वो जो क्रेविंग फॉर फूड, क्रेविंग फॉर सेक्सुअल डिजायर्स, क्रेविंग टू टॉक टू समवन, ये क्रेविंग्स जो है ना उसको हम परिग्रह कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। क्योंकि अध्यात्म में परिग्रह का मतलब आसक्ति होता है, अटैचमेंट। परिग्रह का मतलब संग्रह से भी ज्यादा हम अटैचमेंट में लेते हैं, पर जितना संग्रह करोगे हर संग्रह में अटैचमेंट बुद्धि तो आ ही जाएगी ना। इसलिए कहा कि चलो बाहर से सीमाओं को छोटा करो, संग्रह कम करो। दूसरा, सबसे बड़ा परिग्रह राग द्वेष अज्ञान की निवृत्ति करते रहना। आप वस्तुओं को तो हटा ही रहे हो, लेकिन उनसे भी बड़ा परिग्रह क्या है तुम्हारे भीतर? राग। यानी दूसरा हमें सुखी कर सकता है ये मान्यता, सुविधा दे सकता है वहां तक ठीक है, सुखी कर सकता है ये मान्यता गलत है। दूसरा हमें दुखी कर सकता है ये मान्यता हटानी है, और अज्ञान, ये जो तीनों है ये सबसे बड़े परिग्रह है। और ये कैसे दूर होंगे? लिखा है मैंने। डू यू थिंक देयर इज सम अल्टरनेट वे? क्या किसी किताब में ताकत है कि तुम्हें 2 घंटे यूं बिठाए त्राटक कराए? 5 मिनट में प्यास लगने लगती है, 10 मिनट में वॉशरूम जाना पड़ता है, 15वें मिनट में कोई अर्जेंट कॉल तुम्हें याद आ जाता है। बस इतनी शेल्फ लाइफ होती है किताबों की, मुझे भी पता है। लेकिन एक सत्संग में ताकत है, क्योंकि सदगुरु की मैग्नेटिक ऑरा ऐसी होती है कि तुम उस ऑरा के अंदर अचानक अपरिग्रही हो जाते हो। और बड़ी बढ़िया बात की कि उसका फल क्या है, जन्म कथनता संबोध, तुम्हें जन्मों जन्म की कथा याद आ जाती है। या ऐसा कहूं, तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। या तुम्हारी भाषा में बात कहूं कि तुम्हें सदगुरु की बातें ऑब्वियस लगती है। ऑब्वियस ऐसा ही तो है, मैं कुछ भी कहूं और तुम्हें वो ऑब्वियस लगे ना, ऐसा ही तो है। मतलब तुम्हारा वैराग्य अंदर से दृढ़ हो रहा है। ये बात बहुत ध्यान से समझना। पूर्व के समय में कहते हैं भगवान के सामने जो भी आता था वो उसे जाति स्मरण ज्ञान करा देते थे, यानी पूर्व के जन्मों का ज्ञान हो जाता था। और पूर्व के जन्मों का ज्ञान हो जाता था तो व्यक्ति अपने आप उन जन्मों को देखकर ये इवैल्यूएट कर लेता था कि जिस लक्ष्मी अधिकार परिवार के पीछे मैं इस जन्म में भाग रहा हूं, ऐसा जन्मों जन्म से किया है, और जन्मों जन्म से करके तो भी कछु हाथ हजू ना पड़ियो, ये स्थिति रही है। तो वैराग्य उनके लिए ऑब्वियस हो जाता था कि अरे इतने जन्मों में किया और वो तृप्त नहीं हो पाया तो इस जन्म में क्या उखाड़ लेंगे हम। तो उनके लिए जाति स्मरण में प्रवेश करते ही अब वैराग्य स्वाभाविक हो गया, इजी। लेकिन तुम सत्संग में जब किसी सदगुरु के सामने बैठते हो, उनके सन्मुख हो और उनकी बात सुनते ही तुम्हें लगे यही राइट है, समझ लो तुमने अनेक जन्मों की अपनी दशा को देखकर आज इस निर्णय पर सिग्नेचर मार दिया, यही राइट है। कितनी बार स्त्री आदि को छोड़ते हुए वह कल्पित था राग, वचनामृत 128, राग और द्वेष का उन्होंने जब जाति स्मरण ज्ञान में देखा कि जिसके बिना एक पल भी ना जीऊं, उसके बिना रहे हुए कितना काल हो गया और फिर भी जीता हूं, जिसका मुख तो एक पल के लिए भी ना देखूं, उसके घर पर पुत्र बनकर पैदा हो जाता हूं। तो ये सब उनको जाति स्मरण ज्ञान के प्रभाव में दिखा और राग द्वेष के तंतु टूट गए। सत्संग सुनते सुनते तुम्हें जो बातें ऑब्वियस लगने लगे ना, अरे ये तो ऐसा ही होता है ना, इसका मतलब तुमने पूर्वजनों को परख लिया, पूर्वजन्मों को परख लिया, जान लिया। ये बात कहते हैं
तुम्हें लगे ना, क्यों अभी खाली मैं कहूँ इन इतने ही लोगों को लगता है कि सत्संग जरूरी है, बाकियों को क्यों नहीं लगता? तुम्हें लगता है कि सत्संग जरूरी है, साधना जरूरी है, कहीं ना कहीं तुम्हारा वैराग्य ऐसा हो गया है कि तुमने देख लिया कि अरे यार यूजलेस था, फ्यूटाइल था, व्यर्थ था पूर्व के जन्मों में इतनी बार भटकना, इस जन्म में भी उसी के पीछे जाना, ये व्यर्थ है। इसे कहा जाता है कि जब हम अपरिग्रह की साधना में आते हैं तो वस्तु व्यक्ति स्थिति की व्यर्थता हमारे लिए स्वाभाविक हो जाती है, हम सच्चे दिल से वैरागी हो जाते हैं। वैरागी वचनामृत जी का, राजग्रंथ का जब भी अभ्यास करती थी तो मुझे लगता राइट ही है ना, ऐसा ही तो है, अभी ऐसा ही है। मैं बिना अनुभव के कह रही हूं, इस जन्म में ऐसा कोई अनुभव नहीं है मुझे अभी, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं प्रभु आप कह रहे हो ऐसा ही तो है, इसका मतलब पूर्व जन्मों के अनुभव के अनुसंधान में मैं अभी ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रही हूं। और ये कब होता है? जब हमारी वृत्ति अपरिग्रही होती है, जब राग द्वेष और अज्ञान की निवृत्ति होती है। सो इंटरेस्टिंग, आज पांच व्रतों का स्वरूप ही अलग आ गया, ये पांच यम आज तुम अलग ढंग से समझ पा रहे हो, इतनी डिटेल में मैंने कभी नहीं लिए, बहुत डिटेल्स हुई है पहले भी, लेकिन आज जो डिटेल्स आई है तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है। परिणाम क्या होता है? वैराग्य सहज हो जाता है, यस। और दूसरा, चिंतन मात्र से राग द्वेष ममत्व का स्वरूप जान लेते हैं, थोड़ा सोचा ना, अरे हाँ यार ये तो ऐसा ही है ना, बहुत सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम बुद्धि पे ही बहुत बल देते रहे तो बुद्धि के पार कैसे जाओगे? तो बहुत सोचना भी नहीं पड़ता, थोड़ा चिंतन करो और तुम्हें लगता है कि अरे हाँ भाई ये राग और द्वेष का ही जंजाल है। इस प्रकार जो अपरिग्रह में आता है उसके लिए वैराग्य एकदम सहज हो जाता है।